मामला मैनपुरी के किशनी कोतवाली का है, जहां पर अवैध शराब में पंजीकृत हुए मुकदमे से बरामद हुई हजारों लीटर शराब को पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं एसडीएम किशनी की मौजूदगी में दफन कर नष्ट किया गया है। दरअसल बताया जाता है कि थाना किशनी में 100 मुकदमों में शराब से संबंधित मामले दर्ज किए गए, जिसमें लगभग 1 लाख लीटर से ज्यादा शराब बरामद हुई थी, लेकिन मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण बरामद हुई शराब नष्ट नहीं हो सकी। लेकिन उच्च न्यायालय के अनुपालन में पुलिस क्षेत्राधिकारी अमर बहादुर सिंह भोगांव, किशनी एसडीएम एवं संभ्रांत नागरिकों के बीच थाना प्रभारी की मौजूदगी में नगर से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर गड्ढा खुदवा कर शराब नष्ट किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय मैनपुरी के निर्देशन में पूरे जनपद स्तर पर माल निस्तारण का अभियान चल रहा है। इसी अभियान के क्रम में आज थाना किशनी में 100 मुकदमों से संबंधित माल जो न्यायालय द्वारा निर्णित हो चुके हैं उनका विनिष्टीकरण कराया जा रहा है। इससे संबंधित मालों में लगभग 2700 पेटी दारू यहाँ पे है। इसकी अनुमानित लागत करीब 1 करोड़ है, जिसका विनिष्टीकरण कराया जा रहा है और इसके बाद इसको आग लगा के समाप्त किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।